हिजाब की आग में जलता ईरान। ध्यान से देखिएगा, ईरान के इजे शहर में प्रदर्शन के दौरान आतंकी हमला। विजुअल दिखाइए, अंधाधुन फायरिंग में 5 लोगों के मारे जाने की खबर। एम्बियंस आप करिए। इजे में आतंकी हमले के दौरान 10 से ज्यादा लोग घायल। 2 मोटरसाइकिलों पर सेंट्रल बाजार में पहुंचे थे अज्ञात हमलावर। ये देखिए किस तरीके से हालात वहां पर तब्दील हुए। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। फुल फ्रेम पे एक बार शॉट दिखाइए। ईरान के इजी शहर में आतंकी हमला हुआ जब वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था। वहां पर अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है ईरान से। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ईरान से तेहरान पुलिस की सबसे बेबरबर चेहरा आया सामने। तेहरान पुलिस का विजुअल दिखाइए। यहां पर मेट्रो स्टेशन पर मौजूद लोगों पर फायरिंग की तस्वीरें आई सामने। ये देखिए आप, मेट्रो स्टेशन पर मौजूद लोगों पर फायरिंग की तस्वीरें, ये देखिए आप। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग के बाद मेट्रो स्टेशन पर भगदड़ मच गई। ये ईरान की तस्वीरें। बगल में राहुल ब्रेकिंग दिखाइए, थोड़ा खबर से पेश करें। ये पुलिस ने हिजाब नहीं पहनी महिलाओं को चुन चुन कर पीटा है। हिजाब क्रांति मामले में 16,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए। ये देखिए आप, मैं चाहूंगा राहुल स्क्रीन पर सिर्फ ये दोनों विजुअल दिखाइए। अभी एक तरफ वहां पर किस तरीके से उपद्रव हुआ बताया जा रहा है कि आतंकी हमला हो गया, दूसरी तरफ मेट्रो स्टेशन पर, यहां पर प्लीज स्टॉप बैंड दे दीजिए, इसी का टॉप बैंड है, मेट्रो स्टेशन पर किस तरीके से लोकेशन बैंड, वहां पर गोलीबारी हुई, पुलिस ने गोलियां चला दी, फिर पुलिस का बर्बर चेहरा। ये देखिए लोगों पर फायरिंग की जा रही है वहां पर मेट्रो में, यहां पर आगजनी हो रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई हमारे पास। बड़ी खबर आ रही है ईरान के क्वोम में मदरसे पर पेट्रोल बम से हमला। दिखाइए जरा विजुअल्स। प्रदर्शनकारियों ने मदरसे को आग के हवाले कर दिया। विजुअल दिखाइए। करीब 63 दिनों में ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। ये तस्वीर आ रही है, आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए आप, सबके बीच में एक और बड़ी खबर। ईरान के खुमैन में पूर्व सर्वोच्च नेता खुमैनी के घर पर हमला हुआ है। बड़ी खबर है, विजुअल दिखाइए। प्रदर्शनकारियों ने आयतुल्ला खुमैनी के घर को किया आग के हवाले। ये बहुत बड़ी खबर है, विजुअल दिखाइए। और हिजाब क्रांति को लेकर आयतुल्ला खुमैनी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। ये देखिए तस्वीरें आप, खुमैनी के पुराने घर पर पेट्रोल बम से प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है। ये 4 तस्वीरें दिखाइए एक बार राहुल, जरा हमारे दर्शकों को 4 तस्वीरें दिखाइए। ये 4 तस्वीरें, 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए तस्वीरें, मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ सीधे चलिए। पिनाक सर मेरे साथ है। पिनाक सर, क्या ईरान में 1979 रिपीट हो रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है या अभी वो वहां तक का ये टेम्पो पिक कर रहा है? ये बताना मुश्किल है क्योंकि जिस तरह का टेम्पो इन्हें पिकअप कर लिया है, ये जो, मैं तो ईरान को हमेशा एक मुल्लोक्रेसी बोलता हूँ क्योंकि मुल्लाओं के हाथ में पावर है। सबसे बड़ा जो वहां पे जो सबसे बड़ा मुल्ला है वो सब कुछ चलाता है। अब मुल्लों के हाथ में जब सत्ता चली जाती है तो इस तरह के जो पाबंदियां वो लगाते हैं कि नहीं कंपल्सरी है हिजाब पहनना और इस तरह की बातें जो है, तो इसमें नेचुरली लोग तंग आ गए हैं। अब मेरे ख्याल में ईरान की जो जनता है वो रिवोल्ट कर रही है, वो रिवोल्ट करने में उतर आई है। और उनकी जो यंगर जनरेशन है, 79 से चल रहा है ये मुल्लों का दौर यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि अब जो ये जो यंगर जनरेशन है वो अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो देख रहे हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, दुनिया में बाकी लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, और उनके ऊपर इस तरह की पाबंदियां। और फिर वहां पे जो सैंक्शंस के बाद वहां पे काफी कठिनाइयां हो रही हैं लोगों को, तो मुझे लगता है कि उनका मतलब अब जो पेशेंस है वो खत्म हो गया है और वो मेरे ख्याल आप छोड़ेंगे नहीं रास्ता। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।